याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी अपने दौरा, ये मुझे याद है, पापा अपने आप चला दे। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते, पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था और ताप्ती इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट। और ये देखिए, एक एक तो डिफरेंस अभी काफी क्लियर है कि ये उस समय प्रधानमंत्री थे, मगर इनके सिक्योरिटी वाले यहाँ बिल्कुल नहीं। जब मैं 82 में गया था तो ये हालत, पहली बार आप रायबरेली कब गए? 81-82 शुरू किया काम। हम लोग जाते थे मेडिकल कैंप के लिए, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर लोग थे वहाँ के, दिल्ली के, सेवा करने के लिए ये लोग हमेशा मदद करते थे। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पांडे जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया, और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्रा, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे, और पंडित जी को अपना दुख बताया, मैं भी जाऊंगा, पंडित जी ने बोला। तो फिर वो प्रतापगढ़, पहले क्योंकि सबसे ज़्यादा वो किसान का जो था प्रतापगढ़, और फिर रायबरेली भी, और एक दो और नज़दीक के जगह। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के MP थे 33 से। पर दादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। उनके देहांत के बाद तो फिर दादी ने लोकसभा लगाई वहाँ से, रायबरेली से। जब मैं अमेठी का MP था, रायबरेली के लोग आए थे, आपको याद होगा, ITI के लोग आए थे। ITI को वाजपेयी जी की सरकार बंद कर रही थी, कहा कि देखिए हमारी नौकरी का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। तो मैंने काफी, मतलब उसमें हम लोग बहुत कोशिश की और उसको बचाया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो टेक्नोलॉजिकल स्पिरिट है और जो टेलीकॉम्स का जो कनेक्शन था वो रायबरेली से ना टूटे। गांव में जाती थी लोगों से मिलने, पता करना, अगर कुछ किसी का देहांत, किसी की शादी, या तो फिर एक बार बाढ़ था, एक और बार सूखा था, तो हमेशा ही मैं वहाँ एकदम जाती थी। एकदम एक्सेप्ट किया मुझे, जो रिश्ता था वो जैसे बेटी बहू की रिश्ता था उन लोगों के साथ। 82 में पापा ने वहाँ बहुत विकास का काम किया, बहुत सड़कें बनी, ट्रांसफॉर्म हो गया वो अमेठी, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। रायबरेली में दादी ने विकास का बहुत काम किया था, तो रायबरेली अमेठी से थोड़ा आगे निकल गई थी। जब पापा अमेठी गए और फिर पापा ने वहाँ बहुत बहुत ज्यादा काम किया, फिर ये लगा कि अमेठी थोड़ा विकास में रायबरेली से आगे निकल गई। फिर जब हमारी सरकार थी तो इन्होंने भी वहाँ काफी काम किया, और मैंने भी अमेठी में काफी प्रोजेक्ट्स किए। एक सड़क की कनेक्टिविटी, तो मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें, नेशनल हाईवेज, CRF सड़कें हम अमेठी में लाएं और अमेठी को बाकी देश से जोड़ें। दूसरा था सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम, जिसमें हमने लाखों महिलाओं की मदद की, बैंक अकाउंट से उनको जोड़ा, उनकी ज़िंदगी बदली। तीसरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और CRPF ट्रेनिंग कैंप, और शायद जो सबसे बड़ा काम था जिसको BJP के लोगों ने रोक दिया और जो अमेठी और रायबरेली को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो था फूड पार्क, जिसमें हम 40 अलग अलग कारखाने ला रहे थे, जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। और मेरी सोच थी कि वो फूड पार्क अमेठी और रायबरेली का चेहरा ही बदल देगा।
और उसको बीजेपी के लोगों ने रोक दिया। तो यही यही प्लान मेरा रायबरेली के लिए है कि रायबरेली को बाकी देश से जोड़ा जाए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और फूड प्रोसेसिंग की स्ट्रेटजी हो। जब मैं रायबरेली की बात करूँ, अमेठी की बात करूँ, तो जनता के दिल में जो है उसको अच्छी तरह सुनना और उस पर एक्शन करना। रायबरेली के लिए जो काम माँ कर रही थी और जो दादी ने किया उसको मैं आगे ले जाऊँ, वो रिश्ता ही अलग है। एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, अफेक्शन का रिश्ता है। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे रायबरेली में। जो वो दाल है वहाँ पे, दाल अरहर की दाल, वो शायद कहीं दुनिया में नहीं मिलती है वैसी दाल। तो मेरे लिए ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज एक हैं। अमेठी और रायबरेली ने हमें सब कुछ दिया है। जब भी अमेठी रायबरेली को जरूरत होगी हम वहां मिलेंगे।